तत्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोट सूर्य समप्रभा भगवान अकारण कृपा करने वाले भगवान श्री राघव जी सरकार, भगवान श्री राघव जी सरकार के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मम इष्टदेव कथा के सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता श्री अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। दास के गुरुदेव जीवन आधार सन्यासी बाबा के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। तुलसी पीठ वाले गुरुदेव भगवान के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास महिमा को प्रणाम, साधु मंडली को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य माता जी और ज्येष्ठ भ्राता के चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सबसे प्रार्थना, दास को अपना आशीर्वाद दें और किसी ना किसी रूप में विराजमान होकर के दास पर अपनी करुणा करें। भारत भूमि को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहां विराजमान है अथवा सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से देश और विदेश में घर बैठे हुए कथा को श्रवण कर रहे हैं, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से भी आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम सब जग जानी भैया करो जो साधु जी, जीवन में एक बात ध्यान रखिए। एक होता है पंचामृत, एक है पंचामृत। गुरुदेव भगवान का, ठाकुर जी का होता है चरणामृत। किसी महापुरुष के मुख से जो वाणी निकले तो उसका नाम होता है ज्ञानामृत। किसी विग्रह का दर्शन करो तो वो होता है रूप सुधामृत। लेकिन यहां चल रही है कथामृत। आज हम विचार कर रहे थे, प्रातः काल कोई हमसे कह रहे थे महाराज जी चरणामृत लेंगे क्या, तो चरणामृत पर अचानक हमें ध्यान आया कि ज्ञानामृत होता, एक रसामृत होता, एक रूप सुधामृत होता है, एक पंचामृत होता है, एक सुधामृत, एक दर्शनामृत होता है, लेकिन ये सत्यनारायण कथामृत। और इसकी बड़ी महिमा है। सुधामृत का मतलब सुनना, सुधा के अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया कोई अमृत पूछे, देखो एक साधारण अमृत भी है जो 14 रत्नों में से मिला, उससे निश्चित है कि आप मरेंगे नहीं पर मृत्यु का भय नहीं जाएगा। लेकिन तप्त कथा अमृत ऐसी है भैया, ठाकुर जी की गाथा का अमृत कैसा है, जिसने ये पा लिया तो शरीर तो मरेगा। गीता भी कहती है नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति न चैनम कलेष्यं आत्मा को न कोई काट सकता भैया, न कोई जला सकता, न पानी में यह भींग सकती। आत्मा तो भैया सदैव ठाकुर जी की ओर अग्रसरी रहती। और एक महापुरुष अच्छी बात बोलते थे, माया मरी न मन मरा मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा नारी कह गए दास कवि कह गए दास आत्मा कभी भी नहीं मरती। मरता तो शरीर है भैया,
जिस प्रकार नवीन वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्रों का त्याग करना पड़ता, उसी प्रकार हमारी यह आत्मा नवीन शरीर रूप शरीर धारण करने के लिए पुराने शरीर को त्याग देती है। लेकिन गोस्वामी जी की पंक्ति अपने आप में बड़ी अद्भुत है। बड़े भाग मान सुतनु पावा, बड़े भाग मान सुतनु पावा, बड़े भाग मान सुतनु पावा। भागवत में प्रहलाद जी कहते कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नेह दुर्लभम मानुषम जनम, बड़ी दुर्लभता से मनुष्य का तन मिलता, देवताओं को भी दुर्लभ। गोस्वामी जी कहते सोले दुर्लभ सद गद कहिगा, सोले दुर्लभ सद गद कहिगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया हरे पाए मुरारे। शंकराचार्य कहते बार बार जन्म लोगे बार बार मरोगे, कभी कुकर सुकर कुत्ता बिलार बनोगे, भैंस बनोगे, पशु बनोगे, कीट पतंगा बनोगे। परंतु गोस्वामी जी कहते बड़े भाग नस कर पावा, बड़े भाग नस कर पावा, सुरे दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुरे दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इस बात पर एक और महापुरुष कहते हम जो आपको कथामृत की बात बता रहे थे, जरा नोट करिए साधु जी। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए बाबा कहते बड़े भाग जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली रखिली, मलयाचल की सुख शीतल मन सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरिना सुन ले हरि नाम अरे कनवा। बाबा कहते कहले हरि नाम अरे कनवा, फिर अंत समय मेरी रसना कहले रसना अरे रसना, वापस आइए